नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आ रही है। करनाल के वार्ड नंबर 7 के चुनाव के लिए सरिता कालड़ा को नामांकन के लिए यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है और आज वह नामांकन भरने आई हैं। गौरतलब है कि जो सुदर्शन कालड़ा हैं उनकी पत्नी को आज बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है और वो आज यहाँ पर पहुँची हैं। उनसे जानते हैं कि आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं नामांकन करने के लिए, क्या कहेंगे? समर्थकों की बात की करें तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची। हाँ जी, उन्हीं का ही साथ है, वो ही हमारा साथ देते हैं। बस जनता के आशीर्वाद से मैं आज, पूरा विश्वास है कि मैं बहुमत। सरिता जी, आपकी बात उनसे होती थी, उनका वार्ड के लिए एक सपना, क्या सपना था? बस इतना प्यार मिलता था बहुत ज्यादा कि ये बस तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे सेवा करने के लिए। मैम, जिस तरीके से सुदर्शन कालड़ा, जिसे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पहले भी, आपसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी अब। हाँ जी, बिल्कुल। सारी उम्मीद को, जो अधूरे काम छोड़ गए मैं सब पूरे करूँगी। हाँ जी, क्या वार्ड की कुछ समस्याओं के बारे में आपको पता है कि ये लोग समस्याएं बताते हैं आपको आके? हाँ जी, जो बस कोशिश करूंगी अब पूरी, जो भी समस्या, जो समस्या हुई पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो जो रेणु बाला गुप्ता है मैडम, चार बार मैडम, क्या समस्याएं सामने आई हैं लोगों की? अगर बात लोगों के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से विकास के कार्य हुए, हमारे भाई सुदर्शन कालड़ा जी ने भी वार्ड के लोगों के साथ मिलकर हमेशा विकास के कार्य करवाए हैं और उसी बात को ध्यान में रख के हमारे पार्टी संगठन ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरिता कालड़ा जी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से, जिस का तरह का प्यार और आशीर्वाद भाई सुदर्शन कालड़ा जी को मिला, और एक बार मेरी बहन सरिता कालड़ा जी को मिला, आने वाली 3 तारीख को भी पूरी तरह से आशीर्वाद मिलेगा और कमल खुल बहुत खूबसूरती के साथ खेलेगा। एक सवाल मैम, क्या और प्रत्याशी मैदान में आएगा, कोई सामने आने की उम्मीद है? अभी किसी प्रत्याशी की जानकारी? तो ये थे मेयर रेणु बाला गुप्ता जी ने बताया, वह सरिता ने बताया कि आज नामांकन किया जा रहा है और नामांकन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल देखते हैं यहां कि नामांकन के लिए सरिता कालड़ा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और यहां पर अब नामांकन के लिए वो जा रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 7 के जो सुदर्शन कालड़ा हैं, लगभग 4 बारी वो एमसी रह चुके हैं और 17 मई को उनकी कोरोना ब्लैक फंगस से मौत हो गई थी, जिसके कारण अब वह वार्ड का जो पद है एमसी का खाली हो चुका था। पद खाली होने के बाद अब उनकी जो पत्नी है उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब जो सरिता कालड़ा हैं वो नामांकन के लिए पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि नामांकन के लिए वो अब अपना पर्चा भर रहे हैं और उनके साथ मेयर रेणु बाला गुप्ता हैं, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा हैं, जो कि नामांकन अब करवा रहे हैं। फिलहाल जो सरिता कालड़ा हैं उन्होंने अपना पर्चा वार्ड नंबर 7 के पार्षद के लिए भर दिया है। करनाल में सुदर्शन कालड़ा जो कि एमसी थे, उनकी मौत के बाद अब यह पद यहां पर पार्षद एमसी का पर खाली हो चुका था, जिसके बाद अब बीजेपी ने सरिता कालड़ा को अपना टिकट दिया है और अब यहां पर बीजेपी की तरफ से सरिता कालड़ा उनकी उम्मीदवार होंगी। बीजेपी के सभी शहर के जो नेता हैं यहां पर पहुंचे हैं, मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष व मेयर रेणु बाला गुप्ता द्वारा नामांकन करवाया जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया अभी पूरी की जा रही है।
सभी कागजात पूरी तरह से चेक होने के बाद ही उनका जो है नामांकन पत्र, जो कि गगनदीप हैं सीईओ नगर निगम के, उनको दिया जाएगा। फिलहाल सभी साइन करने के बाद कागजात गगनदीप को दे दिए गए हैं और वो सीईओ जो कि इसके लिए नामांकन के लिए नामित किए गए हैं, वो पर्चा भरकर सरिता कालड़ा ने दे दिया है। बीजेपी की तरफ से उनको अपना उम्मीदवार बनाया गया है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।